हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एचपी टेट के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप एचपी टेट नॉन मेडिकल या मेडिकल का देने जा रहे हो तो इन क्वेश्चंस को देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द मिल्क इज़ अ नेचुरल। ऑप्शंस आर सॉल्यूशन, इमल्शन, मिक्सचर एंड सस्पेंशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इमल्शन। इमल्शन मिल्क इज़ अ नेचुरल इमल्शन। देन क्वेश्चन नंबर टू इज़ द सी वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ। ऑप्शंस आर डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सी वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर इज नोन एज। ऑप्शंस आर सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, फ्लॉक्यूलेशन एंड वाटर सॉफ्टनिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, वाटर सॉफ्टनिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर इज नोन एज वाटर सॉफ्टनिंग। देन क्वेश्चन नंबर फोर इज द नेशनल नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन। ऑप्शंस आर मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद एंड पुणे। एंड द करेक्ट आंसर इज द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पुणे। द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इंडिया इज लोकेटेड इन पुणे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेलेक्ट द वन विच इज़ नॉट अ मिक्सचर। ऑप्शंस आर एयर, गैसोलीन, एलपीजी एंड डिस्टिल्ड वाटर। एंड द करेक्ट आंसर इज द डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट अ मिक्सचर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ऑप्शंस आर कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन हैव एनी वैल्यू अबव जीरो, कैन नेवर बी पॉजिटिव एंड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैन नेवर बी पॉजिटिव। द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नेवर बी पॉजिटिव। देन क्वेश्चन नंबर सेवन इज द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज। ऑप्शंस आर ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर, ऑलवेज मोर देन इट्स एटॉमिक नंबर, ऑलवेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर एंड समटाइम्स मोर एंड समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा समटाइम्स मोर एंड समटाइम इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, समटाइम्स मोर एंड समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। देन क्वेश्चन नंबर एट इज द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शंस आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर मोबिलिटी देन होल्स बिकॉज दे। ऑप्शंस आर दे आर लाइट, एक्सपीरियंस कोलिजन लेस फ्रीक्वेंटली, हैव नेगेटिव चार्ज एंड नीड लेस एनर्जी टू मूव देम। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपीरियंस कोलिजन लेस देन लेस फ्रीक्वेंटली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैलून्स आर फिल्ड विद। ऑप्शंस आर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम एंड ऑर्गन। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, बैलून्स आर फिल्ड विद हीलियम गैस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंटेन अ कॉइनेज मैटर। ऑप्शंस आर सिल्वर एंड गोल्ड, जिंक एंड गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, जिंक एंड गोल्ड आर नॉट द कॉइनेज मैटर। देन क्वेश्चन नंबर 12 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मैटर। ऑप्शंस आर ऑस्मियम, सिल्वर, मर्करी एंड आयरन। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, मर्करी इज द हैवीएस्ट मैटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय। ऑप्शंस आर फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिकेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय। ऑप्शंस आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड एजीमथल क्वांटम नंबर। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शंस आर एटम्स इन ऑल मैटर, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम,
atoms, neutrons in atoms and nucleus in atoms, and the correct answer is the option number D. Rutherford's scattering experiment proved the presence of nucleus in atoms. Then next question is the which one of the following has greatest mass? Options are electron, proton, neutron and hydrogen nucleus, and the correct answer is the option number C. Neutron has greatest mass. Then next question is the a colloidal system in which a liquid is dispersed in a liquid is called. Options are gel, immersion, sole and precipitate, and the correct answer is the option number B. Immersion, a colloidal system in which a liquid is dispersed in a liquid is called immersion. Then question number 18 is the heavy water is so called because it contains heavy isotopes of hydrogen, heavy isotopes of oxygen, mole number of hydrogen atoms and mole number of oxygen atom. And the correct answer is the option number A, heavy isotopes of hydrogen. Option number A is the correct answer. Then question number 19 is the ionization energy of nitrogen is greater than that of oxygen because nitrogen has, options are high bond dissociation energy, smaller atomic radius, stable half-filled 2p sub-level and high nuclear charge. And iska jo correct answer hoga wo option number C, stable half-filled 2p sub-level. Then question number 20 is the atomic theory of matter was given by, options are Avogadro, Dalton, Newton and Pascal, and the correct answer is the option number B, atomic theory of matter was given by Dalton. Then next question is the which among the following is a covalent compound. Options are calcium chloride, magnesium fluoride, sodium chloride and carbon tetrachloride, and the correct answer is the option number D, carbon tetrachloride is a covalent compound. Then next question is the nucleons are regarded as composites subparticles known as. Options are mesons, quarks, leptons and protons. Nuclei are regarded as the composite subparticles known as quarks. Option number B is the correct answer. Then next question is the who developed the model of atomic structure. Options are Bohr and Rutherford, Volta, Alfred Nobel and Faraday. And the correct answer is the option number A. Bohr and Rutherford developed the model of atomic structure. Then question number 24 is the when a bond is formed, this bond is formed between two atoms, the energy of the system will. Options are increases, decreases, remain the same and may increase or decrease. And iska jo correct answer hoga wo hoga option number C, remain the same. When bond is formed between two atoms, the energy of the system will remain the same. The next question is though muddy water is treated with alum in purification process. It is termed as, options are emulsification, absorption, adsorption and coagulation. And the correct answer is the option number D, coagulation. Muddy water is treated with alum in purification process. It is termed as coagulation. Then next question is the strongest oxidizing agent among the following is. Options are chlorine, iodine, fluorine and oxygen. And the correct answer is the option number C, fluorine. The strongest oxidizing agent is fluorine. Then next question is the molecular mass of a gas is. Options are twice its vapor pressure, equal to its vapor pressure, half its vapor pressure and not related to its vapor pressure. And the correct answer is the option number A, the molecular mass of a gas is twice its vapor pressure. Then next question is the chemical properties of isotopes must be same, must be different, need not be same and need not be different. And correct answer is the chemical properties of isotopes must be same. Then next question is the two gaseous molecules can react only when they have same. Options are free energy, entropy, energy and orientation and steric factor. And the correct answer is the orientation and steric factor. Two gaseous molecules can be react only when they have same orientation and steric factor. The next question is the substance which doesn't expand on going from liquid state to solid state is. Options are water, cast iron, aluminium and type metals. And the correct answer is the option number D. The substance which doesn't expand on going from liquid state to solid state is called is type metal. Ye 30 questions the jo aapke HP TET नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चंस को देखना ना भूलें क्योंकि इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं.
और आपका आप अगर HP टेट नॉन मेडिकल देने जा रहे हो तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लें, साथ ही अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।